बता दूं इस मामले में, कोलकाता के मामले में जो बड़ी खबर है वो ये भी कि 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है। अब आप सोचिए, शुरुआत हमने इससे की थी कि संदीप घोष का हो, संजय रॉय का हो, अभी तक 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। तो अब ऐसे में ये सवाल क्यों ना उठे कि सीबीआई बार बार पॉलीग्राफ टेस्ट तो करा रही है, लेकिन इस मामले में क्या निकल कर आ रहा है ये कब बताएगी ममता जी? जो भाटी जी कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं? अब तो सीबीआई जांच कर रही है, तो मां बताइए ना कि क्या निकल कर। लोग पूछ रहे हैं कि भाई, हमसे लोग पूछते हैं कि क्या वो पकड़े गए हत्यारे, क्या रेपिस्ट पकड़े गए अभी तक, कौन कौन चेहरे थे? जी सुचरिता जी, देखिए पूछना लाजमी है क्योंकि बहुत ही खतरनाक और घृणित कृत्य है और सीबीआई लगातार काम कर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात और मजेदार बात यह है कि सीबीआई से 24 घंटे के अंदर ममता दीदी को रिजल्ट चाहिए, इनकी पुलिस कुछ नहीं कर पाई, 14 घंटे तक एफआईआर नहीं कर पाई, उस पर वो कुछ नहीं बोलेंगी, सालों साल कुछ नहीं कर पाई, पर सीबीआई आई है तो बस आप दे दो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर दे दो, ऐसे नहीं होता है। और मैं एक चीज और याद दिला दूं पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि सीबीआई के पास मैटर गया तो उसके तुरंत बाद 7,000 लोग क्राइम सीन में घुस गए आर्चिकोर में और उसको वेंडलाइज कर दिया। आप सोचो ना क्या छुपाने के लिए था, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था, ये इतने पाक साफ थे तो 7 लोग जाकर के वहां पर सब कुछ तोड़फोड़ करते नहीं करते? वो क्या गया है ना सुचरिता जी, लोकतंत्र को बर्बाद करके ठोक तंत्र आरंभ कर दिया ममता बनर्जी ने वहां पर। अच्छा अब आप ठोक तंत्र की बात कर रही हैं, मैं एक बार जरा दिखाना चाहती हूं कि ममता बनर्जी क्या कह रही हैं, वो धमकी क्या दे रही हैं। एक धमकी भी आपको दिखाना चाहती हूं, सिर्फ देश जलाने की बात नहीं की है उन्होंने, जब वो कह रही हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, यूपी जलेगा, नॉर्थ ईस्ट जलेगा, दिल्ली जलेगा, वो ये कह रही है, वो उन्होंने बाहरी कार्ड फिर से चला है। अब कंचना जी इसको जरा सुनिएगा, क्योंकि बहुत से लोग यूपी बिहार से बंगाल में जाते हैं, काम भी कर रहे हैं, बंगाल में रहने वाले बाहरी लोग ढंग से रहें। वो कह रही है बाहरी लोगों ने हिंसा फैलाने की कोशिश की है यहां पर, बंगाल में नुकसान करने पर जवाब मिलेगा, और अगर आप लोग पुलिस से भिड़े तो फिर तैयार रहिएगा। यानी वो कह रहे हैं कि आप यहां पर जो प्रदर्शनकारी थे उनके लिए वो कह रही थी कि आप अगर पुलिस से भिड़ेंगे तो फिर जवाब के लिए तैयार रहिए, आप यहां पर आकर ढंग से रहिए। अब ये जो उन्होंने एक बार फिर से बाहरी कार्ड चलाया, क्योंकि वो हमेशा बंगाली अस्मिता की बात करती है, बहुत अच्छी बात है, हर राज्य की एक संस्कृति होती है और वो उसको बढ़ावा भी देना चाहिए, लेकिन ये बाहरी कार्ड, अब प्रदर्शनकारी बाहरी हो गए कंचना जी, उनको लेकर वो सवाल पूछ रही है, उस पर जरा बता दीजिए। अब ये इस तरह की धमकियां कौन देता है? मुख्यमंत्री कोई बोलने लग जाए बाहरी निकल जाओ जवाब दे देंगे पुलिस से भिड़े तो? जी मैं आपको दो घटनाएं बताती हूं, दो दिन का प्रोटेस्ट का। एक दिन प्रोटेस्ट हुआ, ये देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए दुकान बंद करवा रहे हैं और वहां से हेलमेट उठा रहे हैं, कई दुकानें लूट रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं या बुलाए गए लोग हो सकते हैं, अभी इस पर इनकी आत्मा आहत हो जाएगी। और एक देखा गया कि जिसमें पुलिस को पत्थर मार रहे हैं और पत्थर मारने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, झंडा लिए हैं, उनका शॉल ओढ़े हुए हैं। तो आप जब एक स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो और पूरी कोशिश कर रहे हो उसको ऐसे बना दिया जाए ताकि मीडिया में जाए और देखा जाए कि बंगाल में कितनी अशांति है और यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए, आप पूरी तरह से अपनी तरफ से प्रवोक कर रहे हो, तो ममता बनर्जी जी ये पूछेंगी कि जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है आप वहां पर प्रदर्शन क्यों करो, क्यों नहीं कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी वहां क्यों नहीं कर रही है, वहां क्यों नहीं किसी पर पत्थर फेंक रही, वहां क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब सिलेक्टिव, आप एक स्टेट की सरकार को घिराना चाहते हो और डिस्टेबलाइज करना चाहते हो और उनके पूरे कथन का यही मतलब है। आप इसको अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, शिवम जी अपनी तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब एक स्टेट पे आप अटैक कर रहे हो ताकि उनकी सरकार गिर जाए, क्योंकि अपोजिशन किसी पार्टी की है, तो आप अपने भी सरकार वहां पर देखिए जहां पर आपकी सरकार। अब कंचना जी इस एक काउंटर क्वेश्चन बहुत जल्दी से लूंगी, उसके जवाब आपके साथ, आप कह रहे हैं कि आप कह रही हैं कि हमला कर रहे हैं कि सरकार गिरा सके, इसका मतलब आप ये मान रही है कि जितने भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो बीजेपी के थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही है कि सारे लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार गिराने, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि प्रदर्शन से कुछ दो फोटो आए हैं जिसमें से एक बीजेपी का झंडा लिए भारत माता की जय बोलते हुए मैं आपको भी दिखा सकती हूँ, और दुकानें लूट रहे हैं, और एक में आया कि बीजेपी का झंडा लिए और ये दुपट्टा ओढ़े हुए और पत्थर पुलिस पर मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं ताकि वहां से प्रवोक हो, और आप मीडिया में भी अगर है तो जरा चला दीजिए, शांति है बंगाल में, आप यह दिखा सको कितनी बंगाल में शांति है, और वहां पर जो है गवर्नर जाए, प्रेसिडेंट जीतन लगा जाए, पूरे जो पूरा रोड मैप है। आपने जो कहा कि तिरंगा लिए वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट था, लेकिन वहां पर तिरंगा लिए बहुत से लोग उस भीड़ में घुस गए थे जो कि
प्रदर्शन नहीं कर रहे थे जो कि बीजेपी के थे, जो स्टूडेंट्स भी नहीं थे। फिर से आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। प्लीज बताइए, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी ने भी प्रोटेस्ट किया, टीएमसी ने भी किया, ठीक है। तो एक कई फोटोज आए जिसमें यह देखा गया कि बीजेपी ने जो प्रोटेस्ट किया वहां पर बीजेपी का झंडा लिए, भारत माता की नहीं बोल, बीजेपी का झंडा लिए, भारत माता की जय बोलते हुए उन्होंने दुकानें लूटी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे या बुलाए गए थे झंडा देकर प्रदर्शन करने के लिए? अगर दुकानें लूटी हैं तो उन लोगों को अरेस्ट कर उस पर ममता बनर्जी ने क्यों नहीं बोला है? क्योंकि वो तो इतनी चीजों पर बोल रही है, इतनी बड़ी चीज हो गई कि वो बीजेपी के झंडे लेकर दुकानें लूट रहे थे कि अगर किसी ने कोई ना पुलिस ने कोई बयान दिया ना ममता बनर्जी ने कोई बयान दिया है। नहीं, इसी पर उन्होंने बयान दिया है कि इस तरह के हरकतें करोगे तो बाहरियों की बात कर रही है, वरना वो सीधे बोलती, वरना वो सीधे बोलती कि बीजेपी के गुंडे दुकानें लूट रहे थे। वो ये बोलती है, आपको ममता बनर्जी के बारे में पता नहीं है क्या? वो भारतीय जनता पार्टी का है ना किसी बाहरी का है, देश का है और बंगाल का है। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कैसे। नंबर वन, बंगाल में खास तौर पर जब दुर्गा पूजा होती है तो माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए, मिट्टी उठाने के लिए गणिकाओं से, महिलाओं के यहाँ से मिट्टी लाई जाती है। उन गणिकाओं ने कलकत्ता में और इसके बाद एक और जगह में जो है जाकर ये कह दिया कि हम मिट्टी इस बार नहीं देंगे। दुर्गा पूजा के लिए जो पंडाल लगते हैं उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा आता है। इस बार वहां पर आयोजन करने वालों ने ममता बनर्जी की सरकार से ये कह दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। महिलाएं जो व्यापार करती हैं उन्होंने कह दिया कि हम मिट्टी नहीं देंगे इस बार दुर्गा पूजा में। आप करते रहिए इस बात को बाहरी अंदर। और रही बात एक बलात्कार की कि भाई इस पर ही क्यों इतना हंगामा? अगर इस देश में निर्भया पर हंगामा नहीं होता तो इतने सारे कानून जो बन सकते थे वो नहीं बनते कभी भी। किसी भी विषय में अगर कोई भी केस, बड़ा केस बनता है और वहां पर समाज में सुधार की एक गुंजाइश होती है तो उस पर चीखने चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली में ये हो गया, उत्तर प्रदेश में ये हो गया। नहीं, आप इस पर बात करिए और इस पर सुधार करिए। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 30 साल में ऐसा केस हमने नहीं देखा तो नहीं देखा। आप करते रहिए बंगाल, करते रहिए उत्तर प्रदेश, करते रहिए बिहार, नहीं वो नहीं करना है। अगर इसी तरीके से करते रहते तो निर्भया के बाद इतने सख्त कानून जो इस देश में बने, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई, वो नहीं होता, कभी नहीं होता। बादल जी, इसी वजह से आज इस केस पर स्टिक होकर, आज इस केस पर बात कर अगर भाटी जी के नेता में है दम तो जाइए बंगाल, अगर कंचना जी के नेता में है तेजस्वी यादव में दम तो जाइए बंगाल, सुधार करिए ना महिलाओं का। यहाँ भाषण देने से बेहतर है कि आप सुधार करें। अच्छा, तो एक पूरा डेलीगेशन तो गया था मणिपुर, बंगाल नहीं जाने के बारे में सोचते आप लोग? नहीं, जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाएंगे। अच्छा, अभी जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे। नहीं, पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत अच्छे से शासन चला रही हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, ये बार बार चुनाव में हार रहे हैं। अगर इतनी खराब ममता बनर्जी है तो ये विधानसभा में हारे, अभी लोकसभा में हारे। सिंसियरिटी, ये राजनीतिक विषय बलात्कार का है और ये चुनाव पर पहुंच गए, रूप से उनका मुकाबला राजनीति हटाइए ना, इसलिए बैकडोर से एंट्री करना चाहते, राजनीति हटाइए ना, अंदर के बैकडोर से एंट्री एक भी जगह। भाटी जी, सेलेक्टिविज्म है, मानिए ना मानिए, ममता बनर्जी ममता दीदी शानदार काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट उनको दिन रात उनको क्रिटिसाइज कर रहा है। बहुत शानदार और निर्भीक और बहादुर मुख्यमंत्री है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। अच्छा, घटना जो चिंताजनक है, ऐसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, उसमें हम बिल्कुल, ममता बनर्जी भी गंभीर है, गंभीर है, जाकर कहिए ना, गंभीर का दिखाइए ना, किसी क्राइम की आड़ लेके पूरी सरकार को गिराना चाहिए। सीधी बात यह है, जब